एक्सपोनेंट है ए एम, ए जो इसकी बेस है और जो एम है वो एक्सपोनेंट है। इसकी डिफिनेशन है एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन की डिफिनेशन है डिफिनेशन ऑफ एडिशन। जस्ट लाइक थ्री है, थ्री इसकी बेस है और नाइन एक्सपोनेंट है। और अगर हम इस एम को निकालें, थ्री को हम नाइन बार नाइन नौ तो पहुँचेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19,583। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट लॉ एंड कोटेशन लॉ, क्वेश्चन था। इसकी एग्जांपल एक है ए एन मल्टीप्लाई ए एन, ए इसकी बेस और एम एक्सपोनेंट है, और जैसे इनकी जो दोनों एक्सपोनेंट है बेस है ये दोनों सेम है, हम इनको ऐसे लिखेंगे और एम और एन को प्लस करना है, लेकिन ये दोनों सेम है तो हम प्लस एम और ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन लास्ट में एक एग्जाम्पल दी, क्वेश्चन लास्ट में एक एग्जाम्पल दिए गए, जैसे ए एम डिवाइडेड बाई ए एम, ए और ए सेम है तो वैसे लिखेंगे और एम, क्वेश्चन लास्ट में हमेशा डिवाइड जब भी आता है तो हम लोग माइनस करते हैं, और एम और एन को हम लोग माइनस की तो ये माइनस हो तो एम साइड में वापस लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। जैसा कि ये है जीरो एक्सपोनेंट, अगर ए और ए का एक्सपोनेंट जीरो है तो हम लोग इस तरह से वापस आएगा। और क्वेश्चन लास्ट में एक और एग्जाम्पल दिया है ए एम डिवाइडेड बाई ए एम और ए एम माइनस है जी। अब ये वाले क्वेश्चन जो है ये प्रूफ वाले हैं, ए एम डिवाइडेड बाई ए एम, तो हम लोग इनको माइनस कर देंगे। जैसे ए दो दो ए और ए और ए दोनों सेम है और हम लोग इनको क्या करना है ए सेम हम ऐसे ही जो है एम माइनस माइनस नहीं हो सकते, डिवाइड में हमेशा माइनस से सही होता है, तो हम लोग इनको ऐसे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा ए ए एम माइनस एन और बी और ए एम माइनस एन, तो दोनों प्रूफ हो जाते हैं। और जैसे ये है बेस एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट का कहा जा रहा है, यानी सर 13 और 25 है, 13 इसकी क्या है बेस, बेस और 25 इसकी एक्सपोनेंट है, यानी 13 एंड 25 बी मीन बेस एंड ई मीन एक्सपोनेंट।